बिलासपुर के घुमारवीं स्थित सोहन सिंह मार्ग मार्शल स्टेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती को लेकर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय सदस्य प्रेमा देवी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद पार्टी का गठन भी किया गया। बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत बकरुआ के कस्बा बल्लू में स्थित सोहन सिंह मार्ग मार्शल स्ट्रीट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती को लेकर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय सदस्य प्रेमा देवी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जागरूक करते हुए कहा कि वो राजनेताओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें, अन्यथा उन्हें वर्तमान में मिल रही सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब भी कोई स्वतंत्रता सेनानी किसी मंच पर बैठा होता है तो उसे वहां उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों का देश की आज़ादी में बेहद सराहनीय योगदान रहा है। इस मौके पर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के प्रदेशाध्यक्ष एवं संयोजक प्रीतम मार्शल ने कहा कि आज के दौर में नेताओं ने देश को विभिन्न जाति और अन्य वर्गों में बांट दिया है, जबकि उस समय किसी भी व्यक्ति की पहचान भारतीय के रूप में होती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने नई पार्टी का भी ऐलान किया, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद पार्टी के रूप में रखा गया। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस पार्टी को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वर्तमान में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आज़ाद हिंद पार्टी के उम्मीदवार को उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर आज़ाद हिंद फौज के प्रत्याशी उतारे जाएंगे और इस तरह लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहा तो वो विधानसभा की सभी सीटों पर नवगठित पार्टी के उम्मीदवारों को उतारेगी। इस राष्ट्र को जिंदा रखने वाला, आज़ाद कराने वाला, उसकी क्रांति से, विश्व क्रांति से 11 देश आज़ाद हुए, उनमें हमारा हिंदुस्तान भी आज़ाद है और ये जो आज़ादी जो है नेताजी की आशीर्वाद है, उसकी फौज आज़ाद हिंद की आशीर्वाद है, जिस फौज ने इस देश के लिए गोलियां खाई और गोलियां मारी, अंग्रेजों को कुचला मारा, तब अंग्रेज भागा। अंग्रेज जो है एक प्यार से और एक उस तरीके से, शांति तरीके से जाने वाला नहीं था। हमारी गोलियों की बंछवारें थी, हमारी ताकत थी, इस देश में खून खराबा हुआ और उसमें महात्मा गांधी जी का भी बहुत योगदान है शांति करने के लिए। आज जो है हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार हो रहा और जो गरीबी है, इतनी गरीबी उन्मूलन जो है दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है कि स्थिति जो बिगड़ती जा रही है, इस देश को जो धर्म और जाति में बांटा जा रहा है, टुकड़े में जा रहा है, तो मुझे लगा कि इस देश को बचाने के लिए, इस विभाजन को बचाने के लिए मेरा ये कर्तव्य होगा कि जो कर्तव्य नेताजी ने अपना निभाया था। आज हम चाहते हैं कि एक देश एक कानून हो, धर्म और जाति संविधान से बाहर हो और दलित शब्द एसटी और स्वर्ण शब्द जो दफन हो, हर नागरिक के साथ हो, उसके नाम के साथ हम इंडिया लगाए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।